all the dignitaries, participants, media person, a very good morning to all. First of all, I welcome you all to the today's program. जैसे कि आप सबको पता है कि आज की प्रोग्राम जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रीडम रन एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आजादी की अमृत महोत्सव. आजादी की अमृत महोत्सव हम इसलिए सेलिब्रेट करें कि हमें आजादी मिलके 75 इयर्स हो गए फ्रीडम मिलके. तो हम इसमें ये कर सके कि हम जो हमें फ्रीडम की टाइम जो हमारे एंसेस्टर ने जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है और जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किया है वो हम फील कर सके. जैसे कि अभी तक फ्रीडम के बाद हमें थ्री जनरेशन आया है. जो फर्स्ट जनरेशन है उन्होंने तो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ाई किया, हमारे फ्रीडम हमें दिलाया है. उनको ये सेक्रीफाइसेस और फीलिंग्स का उनको पूरा ही दिए है. उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन आया है उन्होंने जो अपने जो फर्स्ट जनरेशन से सुना है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या पेन फील किया उन्होंने. तो तब तक तो जो भी हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो फीलिंग्स है सेक्रीफाइसेस है वो पूरा ताजा थे. जो अभी जब थर्ड जनरेशन आ रहे हैं तो हमें फ्रीडम के बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गए. हमें ऑलरेडी फ्रीडम इंडिया हमें मिल गए तो ऑलमोस्ट हम भूल ही गए थर्ड जनरेशन. जो हम ये आजादी का अमृत महोत्सव इसीलिए सेलिब्रेट करें ताकि हमें जो सब हम रिकॉल कर सके, जो सेक्रीफाइसेस जो सेक्रीफाइसेस वगैरह हमारे जो एंसेस्टर ने फेस किया है, जो स्ट्रगल वगैरह, तो हम वो फील कर सके. और इसमें जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल ये आजादी के अमृत महोत्सव में हमें डिफरेंट डिफरेंट थीम्स रखा है. उसमें से एक है रेजोल्यूशन एट 75. मेन रेजोल्यूशन ये था कि यूथ जो जनरेशन यंगर जनरेशन फिट रहे, जो लेजीनेस है उनमें से बाहर निकल जाए, और जो जितना भी हो सके ओबेसिटी, जैसे कि आजकल की तरह तरह डिजीज है जो ओबेसिटी आते हैं जो होते हैं, और जो डायबिटिक बच्चों में डायबिटिक बीमारी हमें देखने को मिलता है, स्ट्रेस एंजाइटी, ये सब से दूर करने के लिए मेन हमें रेजोल्यूशन रखा है फ्रीडम के लिए, फिट इंडिया फ्रीडम रन. जो फिट इंडिया फ्रीडम रन 1.0 हमने पहले ही किया था पिछले साल. तो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 हमने 13 अगस्त से शुरू किया है. तो आज करगिल में यहाँ पे इनोग्रेट किया जा रहा है फिट इंडिया फ्रीडम रन का. अभी जो हमने पूरे गांव में ये फिट इंडिया फ्रीडम रन हम कर रहे हैं यूथ क्लब और हमारे वॉलेंटियर्स, नेशनल यूथ वॉलेंटियर्स के थ्रू अगर बता दिया जाए तो हमने मोर देन 30-40 विलेज में हमने अभी तक कर लिया है फिट इंडिया फ्रीडम रन. उनमें से हमने टारगेट रखा था मिनिमम 75 पार्टिसिपेंट का टारगेट रखा था, बट लोगों में इतना जोश होते हैं वहाँ पे. हर कल मैंने रिपोर्ट कलेक्ट किया तो देखा कि हर एक प्रोग्राम में मोर देन 75, किसी किसी में 200. जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा जो पानी घर में हुआ था उसमें मोर देन 200 से ज़्यादा बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है. तो फिटनेस का एक ऐसा हमें ये होना चाहिए हम लोगों को मोटिवेट कर सके, जितना हो सके हम फिटनेस के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे. फिटनेस जैसे अभी ऐसे एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि लोग फिटनेस के लिए कुछ नहीं करते, 70% लोग बिल्कुल एक्सरसाइज करते ही नहीं है. आप सबको आज के इस अवसर पर झूले गुड मॉर्निंग व सलाम. ये जो फिट इंडिया फ्रीडम रन जो आजादी के हमारे 75वें साल आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स नेहरू युवा केंद्र ने ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारे जिला इंतजामिया के कोलेबरेंशन से हुआ है. जैसे कि तफसील से मैम्स पार्डोन ने आपको बताया ये किस लिए मनाया जाता है, चूंकि ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है. हमारे मुल्क ने के आज़ादी का 75वां साल यानी हमारे मुल्क के आज़ादी का गोल्डन जुबली ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको योम आज़ादी यानी 15 अगस्त 2021 से काबिल 75 हफ्ता हमारे प्रधानमंत्री के इच्छा से शुरू किया गया था. जैसे कि आप सबको मालूम है
पूरे देश में हर विषय को लेके, हमारे एजुकेशन के सेक्टर में हो, तालीम के लिहाज से हो, खेलकूद के लिहाज से हो, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, यानी हर सतह पे देही तरक्याती सिलसिले को लेकर हो, हर सतह पे, तो पिछले 75 सालों में हमारे जो देश ने किस कदर काफी रफ्तार से हर फील्ड में तरक्की की है, एक तो उसको उजागर करना है और हमें दुनिया में हर फील्ड में हमने इस 75 सालों का वक़्त में देश के दूसरे दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में हम आए हैं। आजकल भारत का दुनिया के बड़े बड़े देशों में गिना जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे आज़ादी के लिए काम करने वाले जिन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी है, उनके कुर्बानियों को हम याद करने के लिए भी एक मनाया जाता है। तो इससे आज ये जो फिट इंडिया फ्रीडम रन के सिलसिले में हमारे बीच ये जहाँ पे रन में पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे न्यू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स, तो सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स और हमारे लद्दाख पुलिस के जवान भी शामिल हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप लोगों को यह अवसर मिला है आज़ादी के इस फिट इंडिया फ्रीडम रन में हिस्सा लेने का मौका मिला है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, तो हमें ये आज़ादी आसानी से नहीं मिला है, हर फील्ड में हम खासकर युवा लोगों को, नेहरू युवा केंद्र जो युवा लोगों के हौसले के सिलसिले में हर फील्ड में मदद किया जाता है, ये संस्था बहुत हर एक फील्ड में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ योगदान। आई टेक द प्रेस टू पार्टिसिपेट इन फिट इंडिया फ्रीडम रन 2020। I will encourage my family, friends, and community to do the same while keeping myself fit and healthy, and in order to build a strong capable active and self-reliant society. I take a pledge to include 30 minutes of physical activity in my routine. Fitness ka dosh, aadha ghanta roz. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Jai hai Bharat Bhagya Vidhata, Punjab Sindh Gujarat Maratha, Dravid Uttar Banga, हिमाचल यमुना गंगा कुंचल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जय जन मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Okay.
Dans le jour, dans le jour, dans le jour, dans le jour. Doulé, doulé. आज़ादी का अमृत महोत्सव के हवाले से काफ़ी फंक्शन प्रोग्राम्स वगैरह खत्ते लद्दाख में बिलखसूस लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज़ की गई थी ज़िला इंतजामिया द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। इसी के एक कड़ी आज फिट इंडिया फ्रीडम रन के हवाले से नेहरू युवा केंद्र कारगिल ने भी आज एक फिट इंडिया रन के हवाले से एक रन ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर NYK कारगिल जिगमत पाल्डन मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जुले मैम, हाँ जी लाए। सबसे पहले तो फिट इंडिया फ्रीडम के हवाले से आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे मैम आज के इस रन को लेकर, उसके बाद में फर्दर में क्वेश्चन आप से करूँगा। जो फिट इंडिया फ्रीडम रन हमने आज कारगिल में लॉन्च किया है, जो ये आज का ही नहीं है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे कि हमारे जो वॉलंटियर्स है हर ब्लॉक में, वो लोग अपने ब्लॉक में, अपने ब्लॉक में नहीं गांव में भी कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने मोर देन 40 ये गांव कवर कर चुके हैं, तो अभी हमें और भी करना है। टोटल हमें 75 गांव कवर करना है, तो वहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन मिनिमम 75 रखना था, बट वहाँ पे लोगों का इतना ये जोश में आते फिट इंडिया को लेकर, तो अपने फिटनेस को लेकर, तो वहाँ पे हर एक प्रोग्राम में मोर देन 75 का पार्टिसिपेशन हो रहा है। अभी किसी किसी गांव में देखा गया है कि 200 से ज़्यादा भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो लोगों को अपने खुद के फिटनेस के लिए बहुत ये कॉन्शियस है लोग। प्रोग्राम में आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे ये प्रोग्राम जो आज हम कारगिल पे ऑर्गेनाइज किया है, लॉन्च किया है, जो इन कोलैबोरेशन विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, जो हमने मेन यहाँ पे मोटिव रखा है कि लोगों को अवेयर करे फिटनेस की ओर। आज हमने लोगों को वहाँ ऑडिटोरियम हॉल से यहाँ TFC तक लाया है, ताकि उनको अवेयर हो जाए कि आज उनको पता चलेगा कि इतना दौड़ना की मुश्किल है या आसान। अगर जो ज़्यादातर लोग रोज़ फिटनेस के लिए कुछ करते नहीं हो, उनको अवेयर हो जाएंगे हमारे हेल्थ इतना, हम फिट नहीं है, तो वो लोग अपने डेली रूटीन में ये, अपने रूटीन में ये इस्तेमाल करेंगे कि डेली उनको वॉक करेंगे। अपकमिंग प्रोग्राम्स इवेंट्स नेहरू युवा केंद्र कारगिल के,
2021-22 में मैन तो हमने अभी फिलहाल तो फिट इंडिया का ही चल रहा है, तो हर गांव में चल रहा है। अभी फिट इंडिया को छोड़कर हम ब्लॉक लेवल स्पोर्ट्स करने वाला है, तो यूथ क्लब डेवलपमेंट कन्वेंशन जहां पे हम यूथ क्लबें बनाते हैं, तो क्लब बना के उनको अपने गांव पे वॉलंटियरिज्म करने के लिए हम मोटिवेट करते हैं, तो हम वो करने वाला है। तो लाइक करियर गाइडेंस हो या क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स हो, ऐसे कई तरह के हम प्रोग्राम आगे करने वाले। लास्ट क्वेश्चन होगा मैम, एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर हमारे युवाओं को आपकी तरफ से आखिरी एक फ्रूटफुल मैसेज आपकी तरफ से आज के इस डे पे। मैं युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं खुद एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ, जैसे कि हम जितना मोबाइल पे रहते हैं ना, हम फिजिकली तो अनफिट रहते ही रहते हैं, ताकि हम मेंटली भी अनफिट रहते हैं। फिलहाल मैंने रिसेंटली अभी एक दो महीना हुआ कि हम योगा शुरू करके, तो मुझे अपने मेंटली पीस महसूस हो रहा है। तो मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने फिटनेस का ध्यान रखें। अगर टाइम नहीं मिलता हो तो सुबह आधा घंटा टाइम निकाले, मीन्स 20 मिनट टाइम निकाले, या आप इतने मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप जॉगिंग पे जाइए, वॉकिंग पे जाइए, या बाहर जाके एक्सरसाइज करिए। आप लोगों को पता चलेंगे कि 10 बजे तक सोने से पहले अगर 6 बजे उठ के बाहर देखें तो नज़ारा कितना अच्छा है, और अपने फिजिकली और मेंटली पीस के लिए कितना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे जिग्मेश पाल्टून, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर है नेहरू युवा केंद्र कारगिल के, और आज के फिट इंडिया फ्रीडम रन के हवाले से बराबर डिटेल हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।